नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 इंडिया न्यूज में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सामुदायिक बैठक का हुआ आयोजन, जी हां, NLR इंडिया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामुदायिक बैठक के क्रम में आज सामुदायिक बैठक का आयोजन सकलडीहा ब्लॉक के संघती चंदौली ब्लॉक के सहो द्वारा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आयोजित किया गया। इस बैठक में ग्राम प्रधान सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस बैठक में लोगों को कुष्ठ के बारे में जागरूक किया गया और आगामी विश्व स्तरीय कार्यक्रम P++ के बारे में भी जानकारी दिया गया। चंदौली जिले के कुष्ठ रोग के प्रति देश में एक मॉडल जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। P++ कार्यक्रम में विश्व के 3 सबसे ज्यादा कुष्ठ रोग प्रभावित देशों भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील में किया जा रहा है। भारत के 2 जिलों चंदौली और फतेहपुर इस परियोजना में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला पर्यवेक्षक विवेक सिंह, डॉक्टर तपेश्वर राम, मंगल सिंह, चंद्रबली संत कुमार, रितिका, राजा सिंह, राजीव सिंह, मीनू सिंह, अनिल निधि पटेल सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चंदौली से हमारे संवाददाता OP श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चंदौली जिले का चयन एक आदर्श जिला बनाने के लिए हुआ है कुष्ठ रोग के लिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल में कोई भी मरीज चंदौली जिले में न रहे। और कुछ घटना कैसे, जैसे परिवार में हो गया किसी को, उसी परिवार में पासी काम देखने के लिए तो दूसरे फैला हुआ है, उन्हीं के सबसे मिलते हैं ना, उनके लड़के को हो गया तो साथ में लड़के रहते, या माता को है तो उसके हस्बैंड को है, वाइफ हो गया, तो ऐसे केस में फैले न पाए या आपके गाँव में दूसरे को ना फैल पाए, या जो लंबे समय से रह रहे हैं, क्योंकि इसका जो होता है चंदौली का प्रक्रिया, एक दिन में गए तो उसको 3-4 साल बाद निकलेगा, तब तक आपको इस पता नहीं है कि आपके शरीर में संतोष कर चुकी है, कुछ लोग हो चुका है, तो सरकार क्या कर रही है कि दवा खिला रही है पोलियो की तरह, तो वो दवा खिला दिया जाएगा उन लोगों के लिए जिनको लेप्रोसी हुआ नहीं। जैसे मान के चलिए अगर ये मरीज है, इस मरीज के पीछे 100 लोगों को दवा खिलाई जाएगी, वो तो खुराक खिलाई जाएगी 3 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर, तो आपके माध्यम से जो आशा लोग हैं इनको भी आएगा। सरकारी जो मीटिंग होगी, पहले तो हम लोग जैसे मीटिंग कराई होगी कि फरवरी मार्च तक शुरू होने वाला है, उसकी भूमिका बन रही है, अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग जागरूक हो जाए, क्योंकि पोलियो तक शौच जाने के लिए खुराक खिलाया जाता है सरकार ने, तो काफी लोगों ने मना कर दिया नहीं खिलाएंगे, तो ऐसा दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्राम प्रधान को और गाँव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब दवा खिलाने के लोग आए तो हम मना ना करें, क्योंकि नहीं तो भविष्य में परेशानी है। इससे क्या होता है, कुछ लोग हो जाएगा शरीर।